काफी स्पेशल है. 100 एपिसोड्स इज अ ह्यूज लैंडमार्क फॉर अस. और अभी शुरू किया हो शो ऐसे लग रहा है. और बहुत अच्छी जर्नी रही है. तो जब तक 100 नहीं होते तब तक पता नहीं चलता कि कब से मेहनत करें हम. लेकिन 100 होगा, अब 200 होगा, 300 होगा. सो इट्स बीन अ वेरी रिवॉर्डिंग फीलिंग टुडे, स्पेशली जब हमें पता चल रहा है कि लोगों को 100 एपिसोड्स हमारे पसंद आए हैं. इट्स अ ग्रेट फीलिंग. मतलब इतनी सारी मेमोरीज तो हो ही गई हैं 100 एपिसोड्स में. व्हिच इज योर फेवरेट वन? आई थिंक आई लव बॉन्डिंग विद पीपल, है ना. सो जो बॉन्डिंग मेमोरीज हैं हमारी, जो सीन्स के जरिए, कैरेक्टर्स के जरिए हमारी बॉन्डिंग हुई, ऐसे कुछ सीन्स हैं जो बहुत सुंदर लिखे गए थे. तो उन सीन्स को मैं हमेशा याद रखूँगा. एंड इट्स बीन अ फैंटास्टिक जर्नी बिकॉज ऑफ दोज सीन्स दैट वी हैव बॉन्डेड एज पीपल, लाइक कृष्ण भरद्वाज एंड मानव गोहिल हैव बॉन्डेड बिकॉज ऑफ पंडित रामकृष्ण एंड कृष्णदेवराय. एक मिनट, इसको मैं साउंड को थोड़ा ठीक कर लूँ पहले. साउंड को साउंड कट कर सकते माइक. सर आज 100 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं, मतलब आज तो पार्टी सेलिब्रेशन की रात है. बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिदिन पार्टी की रात होनी चाहिए. बट आज आई थिंक वी डेफिनेटली डिजर्व, द एंटायर यूनिट डिजर्व्स अ लिटिल पार्टी बिकॉज सबने बहुत हार्ड वर्क किया है. सभी ने, राइटर्स लेकर पोस्ट प्रोडक्शन टीम, द एडिटर्स, द टेक्नीशियंस हियर, आई थिंक दे ऑल वर्क वेरी हार्ड. दे डोंट कंप्लेन अबाउट वर्किंग आवर्स. ओके, जब अब वर्किंग हार्ड की बात हो ही चुकी है, सो इवन इट मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर यू क्योंकि द हिंदी से करना, हाउ डू यू मैनेज टू डू दैट? सो बड़ी कठिनाई है मुझे भी क्योंकि मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ बेसिकली. मैं गुजरात से हूँ और हिंदी आती है, लेकिन ऐसी जो हिंदी बोलते हैं यहाँ पर बहुत भारी हिंदी है. सो उन शब्दों से धीरे धीरे दोस्ती होने लगी, है ना. जब उस पर मेहनत करते गए, स्क्रिप्ट पर, लाइन्स पर, तो धीरे धीरे यू स्टार्ट गेटिंग टू बिफ्रेंड दोज वर्ड्स, दोज लाइन्स. सो समय लगा लेकिन अब मज़ा आ रहा है. चूंकि मैं हिंदी की बात कर रहा था, मैं ऑफकोर्स आई वॉन्ट टू थैंक एवरीबडी फॉर वॉचिंग आर शो एंड लविंग इट. एंड बट चूंकि हिंदी की बात कर रहे हैं तो मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो हिंदी भाषा है बहुत सुंदर है, है ना. तो इंग्लिश जो हिंदी भाषा है वो अपने आप में बहुत सुंदर है. तो इंग्लिश इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज, तो उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. लेकिन हिंदी भी ट्राई करनी चाहिए. इट्स अ वेरी पावरफुल, अ वेरी सुपीरियर लैंग्वेज, अ वेरी कल्चरल लैंग्वेज. सो आई लव हिंदी नाउ. और आप लोगों को भी ऐसे सोचना चाहिए, हिंदी में अगर सोचो तो बड़ा मज़ा आता है. थैंक यू सो मच. यू वांट टू होल्ड दिस? ओके, तो तेनाली जी 100 एपिसोड्स पूरे हो चुके, कितनी एक्साइटमेंट है और कितनी स्पेशल फीलिंग है? स्पेशल फीलिंग तो बहुत ज़्यादा है बिकॉज आई 100 जो नंबर है ये एक माइलस्टोन नंबर होता है, चाहे वो एज हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई भी हो. आपकी सक्सेस में एक 100 न्यूमरिकल जुड़ जाता है तो वो एक माइलस्टोन बन जाता है. एंड आई गेस हमारे शो में ये पहला माइलस्टोन है. अभी आगे बहुत सारे माइलस्टोन और आएंगे ऐसे, बट आज पहला सेलिब्रेशन है सेट पे और बहुत अच्छा लग रहा है. पता ही नहीं चला कब 100 एपिसोड्स पूरे हो गए. और आज सुबह आया तो पता चला, अच्छा आज 100 एपिसोड ख़त्म हो गए, यार बड़ा जल्दी हो गया ये. तो ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि हमें पता ही नहीं चला 100 एपिसोड्स कब पूरे हो गए, क्योंकि हम उतनी ही मेहनत से हर टीम, हर डिपार्टमेंट काम कर रही है. सो दैट्स द बिगेस्ट पार्ट. मतलब हार्ड वर्क तो फुल ऑन है. फुल ऑन मतलब मुझे लास्ट छुट्टी कब मिली थी मुझे याद नहीं है. मुझे दिवाली पे एक दिन की छुट्टी मिली थी, बस वही है. उसके बाद मैं रोज़ सुबह मलाड से नायगांव से मलाड करता हूँ. पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है, मैं तेनाली रामा ही बन गया हूँ. तो पर ये असर दिख रहा है, ये जो आज जो डबल सेलिब्रेशन है कि TRP भी बढ़ी है और 100 एपिसोड भी पूरे हो गए हैं, ये हमारी मेहनत का फल है. हर डिपार्टमेंट का बहुत मेहनत कर रहे हैं सब. ओके, बात करें कृष्णा की, मतलब आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया, काफ़ी स्ट्रगल किया, क्योंकि अपनी हिंदी को इतना कंट्रोल करना, आपने अपने बाल भी मतलब काफ़ी बख्श दिए, काफ़ी कुछ बख्श दिया है. तो नकली बंधु लेकर चलता हूँ मैं. तो कितना स्ट्रगल हुई है इस चीज़ को कंट्रोल करने में? सी, इस शो के पहले मैं आई वॉज डेस्परेटली लुकिंग फॉर वर्क. मेरे पास काम नहीं था और मैं थिएटर कर रहा था. एंड देन आई वॉज शूटिंग फॉर अ गुजराती फिल्म
और जैसे ही गुजराती फिल्म शुरू हुई मुझे ये मिला। तो जब मुझे पहली बार बोला गया कि आपको अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको मुंडन कराना होगा ना, आई सेड कि ऐसा थोड़ी ना होता है। वी एक्टर्स वी लव आर सेल्व, वी लव आर फेस, आर हेयर, आर आईज एंड एवरीथिंग। तो किसी भी एक्टर के लिए, एक सीरियल के लिए, चलो फिल्म होती है तो आप 3 महीने में रैप अप कर सकते हैं, बट सीरियल के लिए बॉल्ड होना आई थिंक बड़ी बात है। पर अब मुझे नहीं लगता, अब ये मेरा रूटीन बन गया है। मैं रोज़ आता हूँ, नाइट मेकअप रूम में मेरा वेट कर रहा होता है, मैं बैठ जाता हूँ, वो टकला कर देता है। इट्स नॉट दैट बिग एन इशू नाउ। ये तो खैर लुक की बात हो गई, हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, हम जिस स्टाइल से शूट करते हैं, वो एक्चुअली बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्टाइल का है। इतने लंबे लंबे डायलॉग्स आते हैं, शुद्ध हिंदी में बोलना, मेमोरी होनी बहुत अच्छी है। तो मैं उन सब पर काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो ये स्ट्रगल तो हम हर रोज़ झेलते हैं। मतलब आज की बात करें, 100 एपिसोड्स पूरे हो चुके, कितनी सेलिब्रेशन होने वाली है, पार्टी वार्टी एंड ऑल? मुझे पार्टी करने का टाइम नहीं देते ये लोग, मैं बहुत पार्टी करना चाहता हूँ। मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी, पर ये थैंक गॉड आज हम सेट पर पार्टी कर रहे हैं और सब खाने पीने में मस्त हैं और केक कटिंग हो रही है और ये जो रिलैक्स मिल रहा है ना मुझे, ये मोमेंट बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आगे देखते हैं और कितनी पार्टीज़ करते हैं, पर जितनी भी पार्टीज़ करेंगे आप उसके हिस्से होंगे ही। बस इसी तरह आप ये शो देखते रहिए, बिलीव मी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे इस शो को देखने के बाद। आप कुछ ना कुछ तो अपने साथ, अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाएंगे ही। और मैं ये बात बहुत सच्चाई से कहता हूँ आपसे, बहुत ही ऑब्जेक्टिवली ये मैं देखता हूँ इस शो को, तो मुझे लगता है यार ये तो बड़ा अच्छा सा शो है। इसमें हम हंसते हंसते बहुत कुछ सीख जाते हैं, बच्चे हैं वो, प्लीज़ आप बच्चों की वजह से आज बहुत कुछ ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं। मैं तो बच्चों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। बच्चों आप इसी तरह देखते रहिए, मम्मी पापा को दिखाते रहिए और मम्मी पापा आप अपने बच्चों को दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।